नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वो हमारी जो वीडियो होने वाली है ये यूपी टेट का जो सिलेबस है आपका उस पे होने वाली है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कंफ्यूज हैं, जिनका बहुत मैसेज आया मेरे पास कि इस चीज के बारे में बताइए, इसमें हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसमें भी जो पर्यावरण वाला आपका पार्ट है, जिसमें जीके जीएस पूरा का पूरा जिसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो उसी को लेकर के आज की क्लास हमारी होने वाली है। इसी में हम लोग सब चर्चा करेंगे कि जो है कहाँ से कितना कितना पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सी किताब है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी बुक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके जीएस वाला ईवीएस वाला पार्ट कवर करने के लिए, ठीक है। यहां पर किताबों में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए किताबों में मैं आपको जो बुक्स हैं, ठीक है, इनमें मैं दो तरीके की किताबें बताऊंगा। इसमें एक ऐसी किताब होगी जो आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, ठीक है, जो किसी प्रकाशन की होगी, वो वीडियो के लास्ट में, पहले सिलेबस हम लोग देखेंगे फिर बुक देखेंगे, ठीक है। और एक बुक ऐसी होगी जो आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो बेसिक का प्राइमरी लेवल का आपका यूपी टेट है वो एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल नए हैं, जिनको यूपी टेट के बारे में एकदम पहली बार वो यूपी टेट देंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो एक दो बार दे चुके होंगे, दोबारा से उनको यूपी टेट देना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि जो यूपी टेट का एग्जाम होता है वो पेपर वन और पेपर टू दो होता है, जिसमें पेपर वन जो होता है वो प्राइमरी स्तर के लिए 1 से 5 के लिए होता है, और जो पेपर टू होता है वो जूनियर लेवल का होता है, मतलब 6 से 8 के लिए होता है, तो वो अपर प्राइमरी के लिए होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें कि आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें आपको समय जो मिलेगा वो 150 मिनट मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। बात करें निगेटिव मार्किंग की तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब कि यूपी टेट में आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। 1/4 की जो बात आ रही है कि 1/4 इसका लिया जाएगा सुपर टेट के गुणांक में कि नहीं लिया जाएगा, तो मेरा कहना ये है कि आप सुपर टेट की तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट को भी एक बार आप दे दीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग मैच करता हुआ है, यूपी टेट का जितना आप पढ़ेंगे सब आपको सुपर टेट में मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप दे दीजिए, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये सब आयोग पर डिपेंड करता है, तो इसमें क्या ही बुराई है, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इससे डर रहे हैं इसका मतलब आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न आया था कि यूपी टेट का होना जरूरी है क्या, अगर सी टेट है तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपके पास या तो यूपी टेट होना चाहिए या तो सी टेट होना चाहिए, दोनों में से एक भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें रही, अब इसमें क्या क्या कहां कहां से किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके 5 जो है सब्जेक्ट हैं जहां से आपके प्रश्न जो है बनते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये एक बार देख लीजिए। आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, ठीक है, यहां से आपके 30 प्रश्न आते हैं, जो कि एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, तो 30 नंबर का ये होगा। भाषा में लैंग्वेज में आपके 2 लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है, एक है लैंग्वेज वन, भाषा प्रथम जो है वो हिंदी है जो कि अनिवार्य है, 30 नंबर 30 प्रश्न, ठीक है। और जो लैंग्वेज टू है वो है अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत, तो आप इंग्लिश लीजिए या उर्दू लीजिए या संस्कृत लीजिए, वहां पर आपको 30 प्रश्न 30 नंबर के मिलेंगे। हाँ सुपर टेट में क्या होता है, सुपर टेट में आपके लिए ये ऑप्शन हटा दिए गए हैं, मतलब कि सुपर टेट में आपको हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है और संस्कृत भी पढ़नी है, हालांकि वहां पर जो हिंदी है वो 20 नंबर की है और ये दोनों लैंग्वेज अंग्रेजी 10 नंबर की और संस्कृत 10 नंबर की है, ये सुपर टेट में है, वहां पर उर्दू जो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो ये यूपी टेट की बात हो गई 30। उसके बाद आपका 30 नंबर का गणित है और 30 नंबर का आपका पर्यावरण अध्ययन आएगा, जिसमें आपको इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र देखने को मिलेगा और पर्यावरण देखने को मिलेगा, विज्ञान देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपके 5-6 चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। तो आज हम इसी को टारगेट करके आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके 150 प्रश्न का पूरा आपका ये चार्ट दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर आपको ईवीएस की तैयारी करनी है या किसी भी विषय की तैयारी करनी है तो आपके पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 3 चीजें होनी चाहिए,
सिलेबस। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, और होनी चाहिए पठन सामग्री, मतलब आपका किस किताब से आप पढ़ेंगे, किस नोट्स से पढ़ेंगे, मतलब कि आपके पास जो रिसोर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं पर आप समझ लीजिए ये क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यहां से आपको प्रश्नों का लेवल पता चल जाएगा कि कैसे कहां से किस लेवल के प्रश्न बनते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज होती है कि भैया यूपी टेट का इतिहास रहा है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न रिपीट होते हैं, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा हुआ है तो संभावना ये बनती है कि सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिन लोगों ने 2021 का जो पेपर हुआ था ना यूपी टेट का 23 जनवरी 2022 को, जो निरस्त एक बार हो गया था नवंबर में, उसके बाद हुआ था आपका जनवरी 2022 में, जिन लोगों ने वो पेपर दिया है वो जानते हैं कि 2021 नवंबर हम कह सकते हैं या 2022 में जो पेपर वही हुआ था जनवरी में, ये टोटली 2017 का जो यूपी टेट था ना 90% पेपर वही रिपीट हुआ था। तो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल किया है उनका काम एकदम आसान हो गया था, एकदम इजीली मिल गए थे। ठीक है, और इसको पढ़ने से आपको टॉपिक भी क्लियर होंगे कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो गई, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। आप चाहें तो मार्केट से जाके देख सकते हैं कि कौन सी जो है किताब आपके लिए उपलब्ध होगी। देखिए मेरे पास भी एक है, ये है, ये कोई भी पब्लिकेशन हो, अगर आपके पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मार्केट में जाके उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी हैं जो आपको सहायता करेंगी ये सब्जेक्ट तैयार करने में। सिलेबस को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए जो आपका सिलेबस, जो गाइडलाइन आई थी, जीओ आया था, उसमें जो आपका सिलेबस दिया गया था, तो सिलेबस मेन सिलेबस आप देखिए, परिवार इसमें टॉपिक दिया है, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अब यहां से समझिए जो भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है यहां से विज्ञान का टॉपिक रिलेट हो जाता है, मतलब कि मानव पाचन तंत्र है ये पूरा वहां पर रिलेट करेगा। भोजन से क्या होता है, इसमें एक चीज और रिलेट करेगी कि कौन सी बीमारी किसकी कमी से होता है, तो ये विज्ञान में आपको यहीं पर पढ़ लेना है, रोग से संबंधित चीजें जो भी हैं वो पढ़ लेना है, और यहीं पर आप विटामिन और ये सारी चीजें भी यहीं पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये भोजन में आपको पढ़ लेना है। आवास जो है, कौन सी चीज, जैसे इग्लू है, इग्लू कहां पर बनाया जाता है, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी बुक बताऊंगा जहां पे आप जहां से जाके पढ़ लेंगे ना, तो स्पेशली आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने वो पढ़ लिया है तो पूरा का पूरा पर्यावरण आपका तैयार हो जाएगा, एक भी चीज आपको कहीं से नहीं पढ़नी है। जितने लेवल का आपको चाहिए उतने ही लेवल का वहां पर दिया होता है, दो चार क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं वो स्पेशली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जंतु, ये आपको बेसिक की किताबों में मिल जाते हैं, वो वही चैप्टर ही हैं। ठीक है, कक्षा 5 की किताब उठा के आप देख लीजिए, वही चैप्टर आपको मिलेंगे। हमारा परिवेश, वही चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। मेला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मेला में आपको क्या पढ़ना है, भारत के प्रमुख मेले, क्या पढ़ेंगे, जो भारत के प्रमुख मेले जो लगते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है, ये क्वेश्चन आपसे, पुष्कर मेला कहां पर लगता है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे मेले जो भी लगते हैं वो आपको याद होने चाहिए, और साथ ही साथ जो यूपी में कुछ मेले लगते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, मेले और प्लस यहां पर यूपी में आपको उत्सव भी याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा उत्सव, जैसे लठमार, होली मनाई जाती है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सुलह कुल उत्सव मनाया जाता, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये सारी चीजें आपको मेले में याद कर लेनी है। स्थानीय पेशे, यहां से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, संभावनाएं नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक की किताबों में जो है बस वही। ठीक है, जल, यहां से क्या करना है आपको, जल, जल प्रदूषण आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जल प्रदूषण में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इटाई इटाई रोग किसकी कमी से होता है या किसकी अधिकता से हो जाता है। आर्सेनिक कई बार पूछा गया है परीक्षा में, आर्सेनिक जो है पूछा गया था कि आर्सेनिक से कहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, कौन सा क्षेत्र, तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर है। ये चीजें आपको यहां पर पढ़ लेना, ये आपको पर्यावरण में भी मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, जब पर्यावरण प्रदूषण आप पढ़ेंगे तो वहां पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये आपको सब पढ़ने हैं, और वहां पर ये बहुत ही इजिली आपको मिल जाएगा।
ऐसे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल देता हूं जहां पर आप जाकर के क्लिक करके आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए, यातायात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में मैंने बताया ना, एक किताब बताएंगे, वहां पे सब टॉपिक आपको मिलेगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके पढ़ते जाइए, सब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आप कहीं से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यातायात संचार में क्या है, जैसे सड़क संचार है, रेलवे संचार है, और जल मार्ग है, इसमें आपको सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन शुरू हुआ। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो भारत में पहली रेल चलाई गई थी 1853 में, वो कहां से कहां तक चलाई गई थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। खेल एवं खेल भावना, यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और सेम यही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कहां पर, ये आपको सुपरटेट में भी मिल जाएंगी, भले सेम टॉपिक आपको नहीं वहां पर दिखेगा, लेकिन यहीं से प्रश्न वहां भी बनने वाले हैं। तो ये तो हो गया अलग से, ठीक है, जो आपका इतिहास, भूगोल और इन टॉपिक से अलग हटके ये आपके वहां पर दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब अगला जो आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा मिलेगा, तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला आपका है विज्ञान, ठीक है। साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है ये मिलेगा, इतिहास है, नागरिक शास्त्र या मेन चीज यही है, संविधान आपका, भूगोल और पर्यावरण, ये जो आपकी पांच चीजें हैं यहीं से ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। और मैं यहीं पे बता दूं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके हैं वो इस वाले सेक्शन से आएंगे, भूगोल पर्यावरण मिला के जो आएगा, इसमें भी सबसे ज्यादा पर्यावरण के, क्योंकि भूगोल और पर्यावरण लगभग एक मिल जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न इस सेक्शन से आएंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका संविधान आएगा, तीसरे नंबर पे विज्ञान आएगा, और अगर सबसे कम की बात करें तो इतिहास से सबसे कम प्रश्न अभी तक एक प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया था जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इतिहास से। तो अभी आगे देखिए, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसे इतिहास में केवल आपको आधुनिक इतिहास यहीं से प्रश्न मिले हैं, कहां से मिले हैं, आधुनिक इतिहास से ही अभी तक केवल वही मैंने बताया एक प्रश्न मिला है, पिछले तीन चार सालों में केवल एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो आधुनिक भारत इतिहास की जो मोटी मोटी घटनाएं हैं अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से आपका तैयार हो जाएगा। एक चीज और जो आपको सुपरटेट में भी पढ़ना है वो है आपका जो धरोहर है ना, प्राचीन धरोहर, जैसे मंदिर है प्राचीन, वहां से आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो आपको सुपर टेट में भी काम देगा और यूपी टेट में भी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको जो प्राचीन मंदिर और इमारतें बनी है ना, वो भी एक बार ध्यान में रखना है, वो आपको आर्ट एंड कल्चर सुपर टेट में भी पढ़ना है, तो यहीं पे पढ़ के आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विज्ञान में क्या करना है, विज्ञान में जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, मेन रूप से दोनों आपको सामान्य जानकारी चाहिए होगी, कौन सी सामान्य जानकारी चाहिए होगी, जैसे प्रकाश संश्लेषण वगैरह के बारे में जानकारी है, पौधों की कोशिका के बारे में जानकारी है, और अगर मैं बात करूं तो इसमें और आपको क्या चाहिए होगा, इसमें चाहिए होगा मानव शरीर के बारे में जो अध्ययन होता है, पाचन तंत्र के बारे में, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसके बारे में, तो ये आपको सामान्य जानकारी एकदम होनी चाहिए। कहां से पढ़ना है तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास सिक्स सेवेंथ और एट्थ की बुक साइंस की पढ़ जाएंगे तो ये आपका श्योर मानिए गारंटी है कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इन दोनों में आपका काम 100% एकदम पक्का हो जाएगा, कहीं भी एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। कभी बाई चांस एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो चला जाता है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप लूसेंट भी पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्पेशल क्वेश्चंस के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा विज्ञान का पार्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भूगोल के पार्ट में। तो भूगोल में आपको तीन चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी, एक तो है विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल, और एक उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी। अब देखिए बात करें अगर विश्व के भूगोल में ना, तो आपको देखिए क्या क्या चीजें आपको यहां पर चाहिए, पहले तो महाद्वीप और महासागर, ये विश्व भूगोल में यही दो चीजें आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिए, इंपॉर्टेंट ये है कि महाद्वीप में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो महाद्वीप में नदियां पढ़नी है, मतलब किस महाद्वीप की कौन सी नदी इंपॉर्टेंस रखती है,
सबसे बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, इस तरीके की नदियां आपको याद कर लेनी है। और कुछ एक शहर है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रोम है, इटली का रोम शहर है, इस तरीके से कुछ शहर हैं उनको आपको याद कर लेना है, जैसे लंदन जो है कहां पर है, तो इस तरीके के कुछ शहर हैं जो आपको नदियों के किनारे बसे मिलेंगे, वो याद कर लेने हैं महाद्वीप में। पर्वत आपको याद कर लेना है, पर्वत कैसे आपको याद करना है कि किस महाद्वीप का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, और कहां पर ज्वालामुखी कौन सा है, मेन मेन पर्वत कौन कौन से, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ज्वालामुखी भी याद करिएगा, हर एक महाद्वीप का इंपॉर्टेंट, रेगिस्तान याद कर लीजिए कुछ। हाँ, एक चीज और यहां पर आपको याद करनी है, घास के मैदान, जो कि आप वन में अभी देख लीजिएगा, घास के मैदान आपको याद करने हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो घास के मैदान आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। पठार में भी कुछ आपको चीजें याद करनी है जो अभी आगे हम बताएंगे, पठार में भी विश्व से प्रश्न नहीं पूछा गया, बस तिब्बत का पठार के बारे में पूछा जा चुका है। यातायात देखिए विश्व से नहीं पूछता है, यातायात आपको भारत में मिलेगा, यूपी में भी मिल जाएगा, ठीक है। वन जो है, वन में अगर आप विश्व में पढ़ना चाहें तो विश्व के जो सर्वाधिक वन है, जैसे अमेजन का जंगल है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना, तो इस तरीके की चीजें आपको विश्व में, वन के प्रकार आप देख लीजिएगा कौन कौन से वन के प्रकार है, और उसमें मेन मेन चीज कौन है, कौन सी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। बाकी घास के मैदान इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद करिए, जैसे प्रेयरी पूछा था कि प्रेयरी जो घास का मैदान है ये कहां पर पाया जाता है, तो प्रेयरी घास का मैदान और एक स्टेपी जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए कि प्रेयरी और स्टेपी जो है ये कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है महाद्वीप से संबंधित, और महाद्वीप की सामान्य जानकारी, ठीक है, कौन सा महाद्वीप कहां पर है, उसके बगल में कौन सा महासागर है, सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है, जो सामान्य जानकारी है भैया वो तो आपको याद ही कर लेनी है। और अगर आप ल्यूसेंट पलटेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, और जो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं वहां पर भी मिल जाएंगी चीजें, ठीक है, तो सामान्य जानकारी होनी चाहिए। महासागर की बात करें तो यहां पर दो तीन चीजें आपको ज्यादा जरूरी है, जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ना, कौन सा महासागर कहां पर स्थित है, एस आकार का महासागर किसे कहा जाता है, और सार्गेसम एक वनस्पति पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाती है भैया, कहां पर, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक चीज जो कि यहां पर नहीं लिखी गई है वो भी आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी की एक सामान्य जानकारी, जैसे उसका विस्तार जो है, आपको जो क्षेत्र मिलेंगे, वायुदाब क्षेत्र मिलेंगे, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो मिलेगा, ये सब भी आपको पढ़ना है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है, ओके है, चलिए आगे देखते हैं। महासागर में आपको जल धाराएं जरूर पढ़ लेनी है, ठीक है, महासागरीय जल धाराएं, ये आपके यूपी यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में तो पक्का है एक प्रश्न आपका यहां पर बनेगा। बाकी कौन से महासागर में क्या इंपॉर्टेंट है वो मेन रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां पर सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं तो फैक्ट पे हम नहीं जाएंगे, बस ये जानेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, आप कॉपी पेन लीजिए, एक एक करके नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका विश्व में हो गया महाद्वीप और महासागर, और उसके बाद पृथ्वी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, जैसे क्या है, जैसे है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पृथ्वी का वायुमंडल क्षेत्र जो है, जो पांचों परतें हैं, उसके बारे में पूछता है आपसे, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में क्या है, तो भारत का जो विस्तार है उसकी एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके राज्यों के बारे में, और भारत का जो विस्तार है उसकी जानकारी, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही टॉपिक है, नदियां, पर्वत, पठार, वन, ये भी यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए नदियों में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा नदियों का उद्गम स्थल, मेन एक और पड़ता है, कौन सी नदी यूपी में किस जिले में जाके प्रवेश करती है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि गंगा नदी जाके यूपी में किस जिले में प्रवेश करती है, ये प्रश्न बनता है। किस नदी पर कौन सा बांध है, कौन सी नदी पर योजना है, नदियों पर किनारे बसे शहर कुछ हैं, जैसे जो है उज्जैन किस नदी के किनारे है, छिप्रा, वहां पर एक मेला लगता है, कुंभ मेला, ठीक है। तो इसलिए ये चार शहर हैं जहां पर मेले लगते हैं, ये तो मैंने बताया कि मेले आपको पढ़ने हैं, कुछ शहर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने होंगे। सहायक नदियों से प्रश्न वैसे तो नहीं पूछा गया, हो सकता है कि सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछ ले,
ठीक है, सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, ये सब आपको सामान्य जानकारी नदियों में होनी चाहिए। पर्वत क्या है, पर्वत के बारे में आपने विश्व में ही पढ़ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अब यहां पर कुछ भारत के महत्वपूर्ण पर्वत जैसे नीलगिरी है, ठीक है, और एक अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां पर पूछ लेता है कि उस पर्वत श्रेणी की सब चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी है, ठीक है। तो ये प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, सबसे ऊंचा पर्वत भारत का बताइए, सबसे बड़ा विस्तार वाला पर्वत बताइए, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहीं पर एक चीज और, ज्वालामुखी से संबंधित चीजें भी यहां पर आप देख लीजिएगा भारत में, ठीक है। चलिए, पठार की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बारे में भी यही लागू होंगी, उसको अलग से नहीं बताएंगे। तो देखिए, पठार के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था कि बुंदेलखंड पठार का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो वो आपको सामान्य जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब आगे देखिए, वन में वन के प्रकार, और यहां पर सबसे ज्यादा पूछा है मैंग्रोव वन, कौन सा मैंग्रोव वन के बारे में सबसे ज्यादा, जो कि सुंदरबन में पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, सबसे ज्यादा इसके बारे में पूछता है। तो वन और वन के प्रकार जरूर आपको पढ़ लेना है। मैं जितने टॉपिक बता रहा हूं, बहुत अंदर जाके नहीं पढ़ना, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, सामान्य जानकारी की बात हो रही है तो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर भूगोल के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो कौन कौन सा है, वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से एक प्रश्न की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद संसाधन, जैसे पूछा था इसमें, देखिए इसमें पूछता है लौह इस्पात से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया था कि जो भिलाई संयंत्र है वो कहां पर है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछेगा, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, ये आपसे पूछेगा कहां पर, किस देश की सहायता से ला करके संयंत्र बनाया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से भी संबंधित, जैसे शक्ति संसाधन, अभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में एक ही केवल परमाणु ऊर्जा का एक जो केंद्र है वो कहां पर है, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ऐसे ही भारत में कहां कहां पर है, कौन कौन से हैं, तो ये यहां से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद भारत की जनजातियां, भारत की, उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं, जैसे जो है दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं संविधान में से जो प्रश्न पूछता है, तो संविधान में से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संविधान की पहले तो आपको सामान्य जानकारी जो होनी चाहिए, जैसे संविधान निर्माण से संबंधित जो चीजें हैं वो सामान्य चीज हो गई, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रतीक चिन्ह और संविधान द्वारा जैसे अपनाया गया राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, इस तरीके की चीजें जो होती है वो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, यहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहां से लेके यहां तक यही दो ही पॉइंट में आपको एक दो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और मैंने बताया था कि संविधान में से दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बात करें कि अनुसूची, अनुसूची आपको 12 अनुसूचियां याद होनी चाहिए, एकदम रट लीजिए। और अगर बात करें भाग में को कौन कौन से भाग है, तो देखिए भाग में तो वैसे आपको मिलेंगे जो है 22 भाग मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद कौन सा, एक से लेके चार, चार का तक तो अच्छे से याद होना चाहिए कि किस भाग में क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 9, 11, 15, 17, 18 और 20, तो हर एक भाग में कौन कौन सी चीज दी गई है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 1 से 50 तक आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या चीज दी गई है, अगर ये नहीं पता है तो यहां पर आपके लिए समस्या जाके उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। क्या होगा, यहां पर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उम्मीद यही करेंगे कि ये आप जरूर पढ़ लेंगे, ठीक। एक मिनट, चलिए एक मिनट भैया वेट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है सरकार के अंग, अब सरकार के अंग में अगर हम बात करें तो सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, तो बात करेंगे सरकार के 3 अंग आपको मिलते हैं,
कितने अंग मिलते हैं सरकार के? तीन अंग आपको मिलेंगे, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हीं तीन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, एकदम से अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे व्यवस्थापिका में आपको क्या मिलेगा, व्यवस्थापिका में आपको केंद्र में मिलेगा संसद मिलेगा, और आपका जो राज्य में मिलता है वो विधानमंडल मिलेगा। ठीक है, केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, संसद में कौन मिलेगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, उम्र कैसे, तो पहले राष्ट्रपति कौन बने, वर्तमान में कौन है, कितनी उनकी जो है आयु कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जो उसमें उपबंध होंगे, उनके अनुच्छेद होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। लोकसभा में आप जाएंगे तो सब न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र, ये सारी चीजें जो आपको है ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। सीटों की संख्या है, तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, उम्र, सीटों की संख्या और कार्यकाल, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा यही यूपीटेट में पूछा जाता है। सेम चीज है जो आपके राज्य में होता है, विधानमंडल में जो आपके होता है सेम चीज वो भी है। कार्यपालिका की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है और एक जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, ये दोनों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएगा, देखिए मंत्रिपरिषद जो केंद्रीय है, कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो मुख्य शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, ये आप जानते हैं। तो वहां पर आपको प्रधानमंत्री के बारे में, उनके मंत्रिमंडल के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री, सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें न्यायपालिका की। जैसे ये सरकार के अंग पे ही हम सारी चर्चा कर रहे हैं, न्यायपालिका में क्या होगा, न्यायपालिका में आपका आ जाएगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बारे में आपको, महान्यायवादी, ये सारी चीजें आपको वहां पर पढ़नी होंगी। उसमें भी आपको सारी चीजें कि कितने जो है उच्च न्यायालय हैं, कितने सदस्य होते हैं, मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कैसे होता है, पहले मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश, ये सब आपको वहां पर पढ़ना है। उम्र उनका, कार्यकाल उनका कैसे क्या होता है, ये सब आपको वहां पर ध्यान देना है। और अनुच्छेद इन सब का आप देखेंगे कि लोकसभा किसमें दिया गया है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब का आपको अनुच्छेद भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और यहीं पर कुछ विधेयक होते हैं, जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ समितियां हैं वो आप पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है आपका कुछ संविधान में संशोधन। क्या है, कुछ जो संविधान संशोधन है वो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन है ये बहुत कम, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बहुत तेजी से खत्म होगा। एक एक दिन में आप इसके कई सारे पार्ट तैयार कर सकते हैं, तो वो बहुत देखने में लंबा है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट में आपको यही सारी चीजें काम दे जाएंगी, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो सबसे ज्यादा और सबसे लेंदी जो टॉपिक आपका पड़ेगा, पर्यावरण, पर्यावरण के ये जितने टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, यही टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, उसमें अगर आपको मिलता है तो पढ़ जाइए, नहीं तो बुक अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए पर्यावरण में एक टॉपिक आपका पर्यावरण है, तो पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ लेना, जैसे स्थल मंडल, जैव मंडल, ये सारी चीजें, जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, ये सब मिलेगा। लेकिन वायुमंडल की जो परतें हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अगली चीज आपकी पारिस्थितिकी और जैव विविधता, सबसे ज्यादा जरूरी, पारिस्थितिकी, जैव विविधता से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका तैयार ही होना चाहिए। संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय कुछ संगठन है जो पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, उनका मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे मैंने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये बताया, यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ चीजें बनी है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित चीजें, कब कौन सा अधिनियम बना है, ये आपको याद होना चाहिए। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कौन कौन सी बैठक विश्व स्तर पर हुई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर जैव मंडल के घटक पूछा था कि जैव मंडल के कौन कौन से घटक हैं, निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैव मंडल का घटक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वन्य जीव में क्या है, वन्य जीव उद्यान, अभी मैंने बताया राष्ट्रीय उद्यान, आपको भूगोल में भी बताया, यहां भी है। संरक्षण अधिनियम, यहां से एक प्रश्न बार बार बनता है, टाइगर जो परियोजना आई कब आई थी, बाघ संरक्षण अधिनियम, हाथी परियोजना, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है,
तो ये आप याद रखेंगे। जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़िएगा तो वहां ये भी याद रखिएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जैसे एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा फेमस है, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे है, पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, मिट्टी बचाओ आंदोलन है, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन भी आपको याद करना है, मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। ओजोन संरक्षण, यहां से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, क्योंकि इससे इसके जो संरक्षण के लिए कुछ बैठकें भी हुई हैं। जैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, जया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्द्र भूमि के लिए भी एक हुआ था ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रामसर सम्मेलन था, आर्द्र भूमि के लिए हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस हैं, दिवस में जैसे पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, तो ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की, ठीक है, किसकी, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं जो आपके पर्यावरण के लिए यूपीटेट में काम देंगी। एक आपकी किताब जो आती है घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र की आती है, उसमें आपको पर्यावरण भी दिया है, उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट जितना आपको मैंने बताया सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, थोड़े में करके दिया हुआ है, पर्यावरण थोड़ा ज्यादा दिया है, बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें दी गई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, जो ऑलराउंडर बुक है वो है 6 से 8 तक की किताबें, ठीक है, जो परिषदीय विद्यालयों में चलती हैं, निश्चित तौर पर अगर आप उसको पढ़ लें। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये किताबें जो है कुछ मैंने बच्चों से मंगाई हैं, बच्चों से मैंने ले रखा है, ऐसी कुछ किताबें हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको इतिहास की किताब, भूगोल की किताब पढ़ लेनी है और विज्ञान की किताब पढ़ लेनी है। कौन कौन सी आपको पढ़नी है, इतिहास की पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके साथ में आप भूगोल की है उसकी जो वो पढ़ लीजिए। भूगोल की जो किताब आपको मिलेगी ना, वो इस नाम से आपको मिल जाएगी, भारत संसाधन एवं विकास, और इसी में आपको भारत का विस्तार वगैरह भी मिल जाएगा। इसी में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो संसाधन है वो कौन कौन से, जैसे कृषि है, खनिज है, शक्ति है, उद्योग धंधे है, ये सब इसमें मिलेगा। और वही मिलेगा जो आपसे पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, वो प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है, वो सब मिलेगा। तो इतिहास, भूगोल और कौन सा आपको पढ़ना है, विज्ञान। अगर ये आप पढ़ लेते हैं, विज्ञान का थोड़ा सा ज्यादा है, उसको आप जितनी जल्दी करके कम करके पढ़ पाए उतना ही सही है। जैसे ये देखिए विज्ञान भारती के नाम से इसकी किताब आती है, थोड़ी मोटी होती है लेकिन समझने में आपको आसान होगी, ठीक है। तो अगर ये किताब आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर यूपी टेट का जीएस वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एकदम लग के तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है ये तीनों किताबें पहले पढ़ जाइए, क्योंकि इसमें सारे उपबंध दिए हैं। केवल पर्यावरण में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें दी गई है ना, ये पारिस्थितिकी, जैव विविधता, यहाँ पर ये संगठन तो वहां पर भी दिया है, पर्यावरण प्रदूषण भी दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये भी दिया है, राष्ट्रीय उद्यान भी दिया है। केवल यहाँ पर आपके यही दो तीन चीजों में समस्या थोड़ी सी आ सकती है, इसको एक बार अलग से पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी किताबें 6, 7, 8 में आपको मिल जाएंगी। तो ये आपका रिसोर्स होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसका रीजन ये है कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होगी। इसमें कुछ आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और भी टॉपिक है, उस पर छोटी छोटी क्लास मेरी आनी शुरू हो जाएंगी, एक एक करके, जैसे 5 मिनट 10 मिनट में एक टॉपिक पूरा क्लियर, वही चीजें उसमें होंगी जो जिसकी आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक एक टॉपिक इसके कवर करते चलेंगे, वो कम समय में ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो एक बार लाइक भी जरूर करिएगा। हाँ एक चीज और, इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नाम क्या है, नाम है स्टडी शाला, ठीक है, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां से भी इसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।